मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर 1 के भोजन के पोषक तत्व के सही विकल्प किए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि रिक्त स्थान भरिए करेंगे। तो देखिए, प्राणियों के यानी कि प्राणियों के भोजन का एक अंग है, तो प्राणियों के स्वस्थ रखने का भोजन क्या है? एक अंग है। क्या है? एक अंग है। प्राणियों के स्वस्थ रखने का भोजन एक अंग है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं। तो इसलिए भोजन प्राणियों के स्वस्थ रखने का एक अंग है। अगला देखिए, भोजन हमें ऊर्जा, क्या ऊर्जा तथा शक्ति देता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? सेकंड में ऊर्जा और शक्ति, यानी कि भोजन हमें ऊर्जा तथा शक्ति देता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्राणियों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। तो खाली जगह में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट प्राणियों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि जो रिक्त स्थान ये है उसमें खाली जगह में कार्बोहाइड्रेट और दूसरी में आएगा मजबूती। कार्बोहाइड्रेट प्राणियों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। अगला है 4 नंबर प्रोटीन। प्रोटीन है वो वृद्धि कारक, क्या आएगा खाली जगह में प्रोटीन के बाद? वृद्धि कारक तथा दूसरी जो खाली जगह है उसमें आएगा निर्माण कारक, यानी कि प्रोटीन वृद्धि कारक तथा निर्माण कारक तत्व है। तो जो 4 जो रिक्त स्थान है, घे वाला जो रिक्त स्थान है उसकी 2 खाली जगह है। पहली में आएगा वृद्धि कारक और दूसरे में आएगा निर्माण कारक, यानी कि प्रोटीन वृद्धि कारक तथा निर्माण कारक तत्व है। एक बार फिर से देखो, रिक्त स्थान प्राणियों के भोजन का एक अंग है, तो प्राणियों के स्वस्थ रखने का भोजन एक अंग है। भोजन हमें ऊर्जा तथा शक्ति देता है, यानी कि जो भोजन है वो हमें क्या देता है? ऊर्जा तथा शक्ति। तो खाली जगह में 2 खाली जगह है उसमें खे में, पहले में ऊर्जा और दूसरे में शक्ति आएगा। तीसरा है प्राणियों की कोशिकाओं को प्रदान करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्राणियों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। तो गे वाले में भी 2 खाली जगह है, पहली खाली जगह में आएगा कार्बोहाइड्रेट और दूसरी खाली जगह में आएगा मजबूती, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्राणियों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। घे वाले में प्रोटीन तथा तत्व है, यानी कि प्रोटीन है जो कैसा तत्व है? इसमें भी 2 खाली जगह दे रखी है, 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा वृद्धि कारक और दूसरे में आएगा निर्माण कारक, यानी कि प्रोटीन वृद्धि कारक तथा निर्माण कारक तत्व है। अगला है घे वाला अधिक वसा। अधिक जो वसा है वो बढ़ाती है। अधिक वसा क्या बढ़ाती है? तो अधिक वसा मोटापा तथा आलस्य बढ़ाती है। तो डे वाले में भी 2 खाली जगह है, तो पहले में आएगा मोटापा और दूसरे में आएगा आलस्य, यानी कि अधिक वसा युक्त भोजन करने से हमारे शरीर में मोटापा तथा आलस्य बढ़ता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न का मिलान कीजिए, यानी कि ये जो हमें शब्द दे रखे हैं इनको इनसे मिलाना है। देखो के वाला देखो, भोजन, भोजन क्या है? भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से हमें ऊर्जा
मिलती है। अगला है पोषक तत्व। पोषक जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन से हैं? पोषक तत्व है विटामिन। नंबर है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है जो कि हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है संतरे में विटामिन। जो संतरे हैं उसमें कौन सी विटामिन होती है? तो संतरे में विटामिन सी होती है। कौन सी होती है संतरे में विटामिन सी होती है। अगला है घी। घी में क्या पाई जाती है? घी में वसा पाई जाती है, यानी कि वसा का जो स्रोत है वो घी है। घी में वसा की मात्रा अधिक होती है। फिर से एक बार मिलान देखो। भोजन, भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, पोषक तत्व, विटामिन। वैसे तो ये सभी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ब्लड, विटामिन, लेकिन पोषक तत्व क्या है इसमें? विटामिन से मिलाएंगे अपन, क्योंकि ग्लूकोज से क्या मिलाना है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। अगला है संतरे में विटामिन। तो संतरे में विटामिन सी होती है। अगला है घी। घी क्या है? घी वसा का एक साधन है या एक स्रोत है जिसमें वसा अधिक होती है। अब आपको बेटा देखो घर से क्या करना है होमवर्क में, तो आपको घर से होमवर्क में क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि रेगिस्तान और मिलान आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ग्रे कार्य की कॉपी में इनको दोनों को करना है। तो अपना ग्रे कार्य नोट कर लो। पार्ट एक में रेगिस्तान वे मिलान करो। क्या करना है आपको होमवर्क में? आपको होमवर्क में पार्ट एक के रेगिस्तान और मिलान करने हैं, साथ ही साथ इनको याद भी करते चलना है।